नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन रहने वाला है, आज हम हरियाणा में पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है ना, ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 से, और यह पूरे हरियाणा में अवेलेबल है 230 रुपये में, और करंट की अफेयर मात्र 100 रुपये में। 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की बुक है, ले सकते हो। तो आज के सेशन की प्यारे की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? तो वर्तमान की अगर मैं बात करूँ ना, तो हरियाणा में कुल कितने नगर रहेंगे? लेकिन कोई भी काम करो ना, आप सबसे पहले ना आपसे रिक्वेस्ट है, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर शुरू किया करो। वो काम आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो वर्तमान में हरियाणा में ना के नगर निगम है ना, कितने रहेंगे? वर्तमान में हरियाणा में नगर निगम कितने रहेंगे? 11 रहेंगे। कितने रहेंगे हरियाणा में? 11 नगर निगम रहेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट है, नवंबर 2020 तक है अगर पूछे तो। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इससे पहले नगर निगम कितने होते थे? 10 होते थे। 11वां नगर निगम कौन सा बना था? मानेसर बना था, लेकिन घोषणा हो चुकी थी। मानेसर नगर निगम 23 दिसंबर को बना था, लेकिन घोषणा हो चुकी थी। तो इसका ना, वैसे नवंबर 2020 तक पूछे तो इनमें से कोई भी नहीं आ सकता है, क्योंकि पहले 10 थे। लेकिन 8% अगर मैं वर्तमान की बात करूँ ना, तो नगर निगम हमारे कितने रहेंगे? तो वर्तमान में नगर निगम 11 रहेंगे। और 11वां नगर निगम कौन सा बना है? मानेसर। और मानेसर नगर निगम में पूछे कितने गांव शामिल किए गए थे? 29 गांव शामिल किए गए थे, मानेसर नगर निगम में शामिल किए गए थे। तो गुरुग्राम ऐसा है जिसमें दो नगर निगम रहेंगे, खुद गुरुग्राम और एक मानेसर। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया है। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को ना कितने भागों में बांटा गया है? प्यारे बच्चों 6 भागों में बांटा गया है। तो हरियाणा में कितने मंडल है? 6। तो प्यारे बच्चों कौन सा मंडल रहेगा? गुरुग्राम। गुरुग्राम मंडल रहेगा, हिसार मंडल रहेगा, अंबाला मंडल रहेगा, अंबाला मंडल रहेगा, और रोहतक मंडल रहेगा। जैसे आप घर से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और के करनाल मंडल रहेगा, और एक आपका फरीदाबाद मंडल रहेगा, फरीदाबाद मंडल रहेगा। ये मंडल 2 फरवरी, दोनों मंडल 2 फरवरी 2017 को नए मंडल बने थे। करनाल में करनाल के तल पानीपत, फरीदाबाद में फरीदाबाद पलवल नू, रोहतक में रोहतक भिवानी सोनीपत चरखी दादरी झज्जर, अंबाला में अंबाला पंचकुला यमुनानगर, और आपका कुरुक्षेत्र हिसार में हिसार, आपका सिरसा, आपका फतेहाबाद, आपका जींद, गुरुग्राम में गुरुग्राम रेवाड़ी महेंद्रगढ़। और प्यारे बच्चों मंडल का जो शीर्ष अधिकारी होता है ना, वो कौन सा होता है? कमिश्नर होता है। और जो आपका प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो शीर्ष अधिकारी होता है, वो डीसी डिप्टी कमिश्नर होता है। ये याद कर लेना, 6 भाग है। और प्यारे बच्चों ये ना हरियाणा भी चंडीगढ़ पुलिस का जो रिकॉर्डेड बैच है वो भी आप ले सकते हो। एसएससी सीजीएल का भी है, और एचएसएससी ग्रुप डी का भी मात्र 999 रुपये में, रिकॉर्डेड 599 में, और एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड 999 रुपये में ले सकते हो। हरियाणा पुलिस का 799 में कोई भी बैच लेने है, 7497-978-4004 से इन पर कॉन्टेक्ट कर लेना। हरियाणा में पंचायती राज की सर्वोच्च शाखा कौन सी रहेगी? तो पंचायती राज है ना, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ आया था पंचायती राज? नागौर राजस्थान में आया था। कहाँ पर आया था? नागौर राजस्थान में आया था। और भारत में पंचायती राज है ना, 24 अप्रैल 1993 को आया था। 1992 में आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, 73वां व 74वां संविधान संशोधन पढ़ते हो। और भारत हरियाणा में कब आया था? 22 अप्रैल 1994 को आया था, चौधरी भजन लाल के टाइम में। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को होता है। इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ब्लॉक स्तर पर कौन सी होती है? पंचायत समिति होती है। और जिला स्तर पर और शीर्ष स्तर पर कौन सी होती है? वो जिला परिषद होती है। कौन सी होती है? तो इसने पंचायती राज की सर्वोच्च
संस्था पूछिए तो कौन सी हो जाएगी, जिला परिषद हो जाएगी, और सब तीसरे नंबर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति, और सबसे शीर्ष जिला परिषद रहेगी। नेक्स्ट है हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था का मध्यम स्तर कौन सा है, अभी हमने डिस्कस किया था, जो मध्यम में रहेगी वो कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों, पंचायत समिति मध्य में रहेगी, मध्य में कौन सी रहेगी, पंचायत समिति मध्य में रहेगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का चयन पंचायत में किस स्तर पर किया जाता है, तो प्रखंड आयु तो वो ब्लॉक स्तर पर हो गया, जिसे हम पंचायत समिति बोलते हैं, तो ब्लॉक स्तर पर इसका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो एग्जाम में आए हुए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जीके भाई प्रदीप सर को, और ये सीरीज कैसी लग रही है कॉमेंट करके बताना। ग्राम पंचायत में पंचायती राज का जो चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम है ना प्यारे बच्चों, आयु कितनी होती है, 21 वर्ष होती है, जो सबसे कम होती है, जैसे प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 हो जाएगा, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्र के लिए 35 वर्ष, और लेकिन प्यारे बच्चों 21 वर्ष है पंचायती राज और शहरी शासन में सबसे कम आयु है। ग्राम पंचायत के चुनाव खालिस्तान द्वारा संचालित किए जाते हैं, ये HSSC का आई लव यू क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आता है। तो जो प्यारे बच्चों ग्राम पंचायत के चुनाव है ना, वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, और मैं कहता हूँ यही क्वेश्चन है ना आपको आगामी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो ग्राम पंचायत के चुनाव खालिस्तान द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो राज्य चुनाव आयोग इनको क्या करता है, संचालित करता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1991 के संचार टावरों की ऊंचाई भूस्तर से कितनी होनी चाहिए, तो जो संचार टावर है ना, जो भूस्तर से ना 30 मीटर ऊंचे होनी चाहिए, कितने मीटर ऊंचे होने चाहिए, 30 मीटर ऊंचे होने चाहिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। हरियाणा में सरपंच के कार्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो अभी तो प्यारे बच्चों हरियाणा में ना राइट टू रिकॉल भी आ गया, क्या आ गया, राइट टू रिकॉल, हम सरपंच को क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, उसके खिलाफ भी प्यारे बच्चों जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है वैसी ही प्रक्रिया होती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो सरपंच की जो मतलब है ना, जब से वो शपथ लेता है तब से 5 वर्ष के लिए उसकी क्या होती है, मतलब उसकी सीमा होती है। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ पर खुला था, तो हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय जिस गांव में खुला था वो गांव था हेबतपुर। हेबतपुर कहाँ का रहेगा, जींद का रहेगा, कहाँ का रहेगा, आसू मलिक के बारे में आपने सुना होगा, सिटी आप सबसे ज्यादा 7 मतलब जिलों से इसकी सीमा लगती है। असनपुर कहाँ पर रहेगा, असनपुर प्यारे बच्चों सोनीपत में रहेगा, आंगनवाड़ी के लिए फेमस था। और थानेसर कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा, इसे मुगलों का क्या बोलते हैं, मुगलों का द्वीप बोलते हैं। और गुमारिया है ना, ये प्यारे बच्चों फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, और जो गोरखपुर पावर प्लांट बन रहा है ना, गोरखपुर पावर प्लांट जिसका शुभारंभ 2014 को जनवरी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, उसमें गुमारिया की भी जमीन ली गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक के नियत तारीख से कितने वर्षों की अवधि के लिए कार्य करती है, तो प्यारे बच्चों अगर सभी कुछ सही चले ना, तो 5 वर्ष के लिए क्या करेगी, ये कार्य करेगी, कितने वर्ष के लिए कार्य करेगी, 5 वर्ष, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितने वर्ष है, 5 वर्ष के लिए क्या करेगी, ये कार्य करेगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुड्डा की फुल फॉर्म आई थी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो प्यारे बच्चों इसमें ना स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है, तो ये क्षेत्रीय प्रशासक के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, क्षेत्रीय प्रशासक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायत राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा राज्य बना था, तो हरियाणा पे दूसरा राज्य बना था इससे पहले ना, ये योग्यता किसने, हरियाणा दूसरा बना था, तो अगर पहला राज्य पूछे तो वो कौन सा बना था, तो प्यारे बच्चों पहला कौन सा बना था, राजस्थान बना था, पहला कौन सा बना था, राजस्थान बना था। ये अब पंचायती राज में आगे हम पढ़ेंगे जर्नल के लिए 10 और किस किस के लिए क्या है वो सारा पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, इसने पूछा लागू कब हुआ, तो 1994 में हुआ, प्रॉपर तारीख पूछे तो 22 अप्रैल 1994
94 को क्या हुआ था, लागू हुआ था, इस टाइम सीएम कौन होते थे, तो इस टाइम सीएम कौन होते थे प्यारे बच्चों, चौधरी भजन लाल होते थे। और चौधरी भजन लाल को कितनी भाषाओं का, चौधरी भजन लाल को भाषाओं का नहीं, इन्हें आधुनिक भारत का क्या कहा, आधुनिक हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। और इस टाइम जो सीएम थे ना, जो प्राइम मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव होते थे, इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था, इन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य कहते हैं, और चौधरी भजनलाल को आधुनिक हरियाणा का चाणक्य कहते हैं। तो 22 अप्रैल को हरियाणा में पंचायती राज होता है 1994 को। निम्नलिखित में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है, तो प्यारे बच्चों याद करोगे फ्री में चीजें कम मिलेगी, तो सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पर हो जाएगी, फरीदाबाद में हो जाएगी। हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से कितने अवधि तक कार्य करेगी, तो मैंने बार बार आपको बताया प्यारे बच्चों कितनी अवधि तक कार्य करेगी, तो कितनी अवधि तक कार्य करेगी, 5 वर्ष तक क्या करेगी, कार्य करेगी। कितनी अवधि तक कार्य करेगी, तो वो जो बैठक होगी ना उसके 5 वर्ष तक क्या करेगी, कार्य करेगी। ये 5 वर्ष वाला क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा में किस जिले में कम है, तो सबसे कम कहाँ पर रहेगी, फरीदाबाद में रहेगी। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है, मैंने बताया था अगर निम्न स्तर पूछे ना, निम्न स्तर तो कौन सा हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। मध्यम स्तर पूछा तो कौन सा हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगा। और शीर्ष स्तर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसने कौन सा पूछा है, पंचायती राज का दूसरा पूछा है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगा। अगर मध्य स्तर पूछता ना तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगा। कौन सा, पंचायत समिति। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किस धारा में गलत घोषणा बनाने का उल्लेख रहेगा, तो प्यारे बच्चों ये धारा कहते हैं 171 में ना, कौन सी धारा रहेगी, धारा 171 में क्या रहेगा, गलत घोषणा बनाने का क्या रहेगा उल्लेख मिलता है किस धारा में, 171 में। और ये हरियाणा का पंचायती राज, ये रट लेना, कब लागू हुआ, 22 अप्रैल 1994 को। और भारत में पूछे तो 24 अप्रैल 1993 हो जाएगा। ये दोनों डेट याद रखना है, आगामी एग्जाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के चुनाव खालिस्तान द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं ना उन्हें राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा क्या होते हैं, ये संचालित होते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव थे, 2011 की जनगणना के अनुसार आप पढ़ोगे हरियाणा में 6000+ गांव थे, तो इसमें प्यारे बच्चों 1468, 4648 क्या इनमें से कोई नहीं, और कमेंट करके बताना एग्जैक्ट कितने गांव थे, ये किस सेंसस की बात हो रही है, 2011 के जनगणना की बात हो रही है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना था, मैंने कहा था हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था, दूसरा राज्य बना था, इसमें पूछा है पहला राज्य कौन बना था, तो पहला राज्य कौन सा बना था, राजस्थान बना था, राजस्थान के ही नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1969 को क्या आया था, पंचायती राज। और पंचायती राज है ना ये कितने स्तर पर काम करता है, 3 स्तर पर, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जन्मदाता या मतलब इसे पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ना पंचायती राज में कितने स्तर की डिमांड की थी, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर की डिमांड की थी, पंचायती राज में इन्होंने कितने स्तर की डिमांड की थी, पंचायती राज 3 स्तर का होना चाहिए, किसने डिमांड की थी, बलवंत राय मेहता। तो राजस्थान के बाद हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बन गया है, तो राजस्थान के बाद हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बन गया है, दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, संचार टावर नियम हरियाणा पंचायती राज विनियम में हरियाणा सरकार गजट खालिस्तान में प्रकाशित किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी आने के चांस रहेंगे। संचार टावर नियम हरियाणा पंचायती राज विनियम हरियाणा सरकार गजट में 2012 में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। और 2009 को हमने ना किसके रूप में बनाया था, किसान मजदूर वर्ष के रूप में बनाया था,
और जो 2023 है ना, इसको किसके रूप में मना रहे? अंत्योदय आरोग्य, ये रट लेना, अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में हम किसको मना रहे हैं? 2023 को हम मना रहे हैं। ये आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ना चीज़ों को टेक्निकली ध्यान से पढ़ने की हमें ज़रूरत रहेगी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 डायरेक्ट दिया गया, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का अध्याय क्या कह रहा है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का अध्याय जिला परिषद के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों ये कौन सा रहेगा आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। जो 16 नंबर भाग है ना वो किससे संबंधित रहेगा अध्याय? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का जिला परिषद के कार्यों से संबंधित रहेगा। किसके कार्यों से संबंधित रहेगा? जिला परिषद के कार्यों से। जिला परिषद पंचायती राज की कौन सी शाखा रहेगी? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जिला सिर परिषद है पंचायती राज की शीर्ष शाखा रहेगी। दो लेक्चर करवाऊंगा पंचायती राज के। इसके बाद कोई भी ग्राम सचिव के एग्जाम में अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आए हैं ना तो भी इससे बाहर नहीं जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1901 बनाने के लिए निरस्त किया गया था? तो प्यारे बच्चों कौन सा अधिनियम निरस्त किया गया था? तो वो पंजाब पंचायत समिति अधिनियम। कौन सा अधिनियम निरस्त किया गया था? पंजाब पंचायत समिति अधिनियम। कब आया था? तो ये अधिनियम आया था 1952 में। इसको क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा खालिस्तान के अंतर्गत पंचायत समिति भंग की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा खालिस्तान के अंतर्गत पंचायत समिति को भंग किया जा सकता है। तो आर्टिकल 110 के तहत इसको क्या कर दिया जा सकता है? हम भंग भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आगामी एग्जाम में। हरियाणा की पंचायती राज समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव खालिस्तान को होना चाहिए। तो प्रत्येक का जो प्रधान सचिव होता है ना वो कौन होता है? आयुक्त को होना चाहिए। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का जो प्रधान सचिव खालिस्तान को होना चाहिए उसका आयुक्त को होना चाहिए। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में देखने को आपको पक्के मिलेंगे। मैं कहूंगा कोई भी एग्जाम आए ना तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने के पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो प्रत्येक समिति में अध्यक्ष समिति सहित है ना कितने सदस्य होने चाहिए? 6 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 6। तो सर एक बार पूछा गया था सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 है। इस वर्ष है ना अंजू रानी है ना महेंद्रगढ़ से, वो सबसे कम उम्र की क्या बनी है? सरपंच बनी है। और पिछले टाइम पे है ना प्यारे बच्चों, पिछली बार और होती थी चबला मोरी से, चबला मोरी से जो रेखा थी वो सबसे कम उम्र की क्या थी? सरपंच थी। इस बार ना महेंद्रगढ़ की है ना वो सबसे कम उम्र की क्या बनी है? सरपंच है बनी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें पूछा गया था विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए, प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो अध्यक्ष समिति कितने होने चाहिए? 6 सदस्य। निम्नलिखित में कौन सा प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव पर आधार पर स्थापित की जाती है? तो प्यारे बच्चों ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो इसमें प्यारे बच्चों जो पंचायत होती है ना, ग्राम पंचायत कौन सी होती है? जो ग्राम पंचायत होती है ना इसके क्या होती है? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। क्या होते हैं इसके? पर इसके जो, क्योंकि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच के चुनाव में हम प्रत्यक्ष भाग लेते हैं। ब्लॉक समिति में ना ये और जिला परिषद में इनका जो मेन अध्यक्ष का चुनाव होगा ना उसमें हम क्या नहीं ले सकते पार्टिसिपेट? तो इसमें प्रत्यक्ष आधार पर इसके चुनाव होंगे ग्राम पंचायत, क्योंकि हम सरपंच के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी खालिस्तान के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। तो आपने सुना होगा प्यारे बच्चों जो
पंचायत समिति के जो कार्यपालक अधिकारी होते हैं वो किसके नियंत्रण में होते हैं, तो वो विकास अधिकारी के नियंत्रण में होते हैं, जिसे आप डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हो। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहूंगा, जो नए बच्चे हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और पुराने बच्चे ये बताना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, कितनी हेल्प मिल रही है। और ये जो ट्विटर ऑफ हरियाणा है ना, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है, वन लाइनर है, आज तक 2016 से अब तक के सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। तो सभी बच्चे बताना ये बुक आपको कैसी लग रही है। और हरियाणा करंट अफेयर की 2 साल की बुक मार्केट में मात्र 100 रुपये की आ चुकी है, तो उसके बारे में रिव्यू जरूर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना मुझे उन लोगों से हारना पसंद है, मुझे उन लोगों से हारना पसंद है जो मेरी हार के कारण पहली बार जीते हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। आज प्यारे बच्चों, हम हरियाणा का पंचायती राज का पहला पार्ट पढ़ लिया है, और ग्राम सचिव से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आया ना, तो भी आपका इस टॉपिक को देखने के बाद गलत नहीं होगा। सभी शेयर करना और बताना वीडियो कैसी लग रही है। ये सीरीज जय माँ सरस्वती का नाम लेकर ये बुक ट्विटर ऑफ हरियाणा से करवा रहा हूँ, 230 रुपये में पूरे हरियाणा में अवेलेबल रहेगी। निम्नलिखित में एक क्लास हो चुकी है, वो पहले जरूर देखना। निम्नलिखित में कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? मैंने बताया था पंचायती राज की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत है, और मध्य इकाई कौन सी रहेगी? पंचायत समिति रहेगी, और जो शीर्ष इकाई कौन सी रहेगी? जिला परिषद रहेगी। कौन सी रहेगी? जिला परिषद। इसने कौन सी पूछी है? निचली इकाई तो ग्राम पंचायत नजर आ रहा है, वहां कर दो। और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है कौन होता है? सरपंच। और एक बार आया था सरपंच का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है सरपंच का, जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। पंचायत चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हरियाणा है ना, शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है, तो पहला कौन सा बना है? राजस्थान। और दूसरा कौन बना है प्यारे बच्चों? हरियाणा, शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए हरियाणा कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम शिक्षा कितनी होनी चाहिए? कक्षा 10 होनी चाहिए सामान्य वर्ग के लिए, और 8 उनके लिए हो जाएगी। तो सामान्य का पूछा है तो 10th हो जाएगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो चंडीगढ़ पुलिस का बैच, SSC CGL का बैच, और कोई भी आप ग्रुप डी का रिकॉर्डेड 599 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड 999 में ले सकते हो। और 1999 में प्यारे बच्चों ग्रेजुएशन वाला 7497-4004 पे कांटेक्ट कर लेना, ये बैच प्यारे बच्चों आप ले सकते हो। इस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल ले लेना। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में कौन सा सदस्य गैर निर्वाचित प्रतिनिधि है? तो इसने पूछा है कौन सा गैर निर्वाचित है, तो पंच का चुनाव होता है, सरपंच का होता है, सहायक का होता है, तो जो सचिव होता है ना उसका चुनाव नहीं होता। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में कौन सा सदस्य एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है? तो जो ग्राम सचिव होता है ना वो क्या होता है? गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने का काम करते हैं। हरियाणा में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? सामान्य का पूछा है तो कौन सी कक्षा हो जाएगी? 10वीं कक्षा। और हरियाणा में पंचायती राज कब आया था? 22 अप्रैल 1994 को आया था। किसके टाइम में आया था गुरुजी? चौधरी भजन लाल के टाइम में आया था गुरुजी। भारत में सरकार किसकी होती थी? पी वी नरसिम्हा राव की क्या होती थी? सरकार होती थी। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर भी अच्छा है। राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, राजीव गांधी राज्य पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है, जो पंचायती राज संस्थाओं को निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करता है? तो ये कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा। नीलोखेड़ी भी कहाँ पर रहेगी? तो नीलोखेड़ी कहाँ पर रहेगी? करनाल में। एक गरोंडा पूछा जाता है, गरोंडा भी कहां पर रहेगा? करनाल में। भवानी खेड़ा कहां से रहेगा? विशंबर नाथ वाल्मीकि जी विधायक है भवानी खेड़ा, भिवानी की आरक्षित सीट है। पंचकुला में 2 ही विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं, एक कालका और एक पंचकुला। और रोहतक है ना,
ये राजा रोहितास के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, रोहतक पड़ा था। तो करनाल राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों के 5 सदस्य होते हैं, तो पंचायतों के 5 सदस्य नीचे से उठाते हैं, राज्य चुनाव आयोग द्वारा मनोनीत होते हैं, हो ही नहीं सकते, जिला कलेक्टर द्वारा नहीं होते, राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं होते, तो स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो मैंने कहा था सरपंच होता है ना, उसका प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, चुनाव होता है। सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, चुनाव होगा। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इनमें से कौन ग्राम पंचायत की अपनी एक आय स्रोत है, तो ग्राम पंचायत की पूछा है। आयकर तो ये भारत सरकार की हो गई, बिक्री कर भी नहीं है, वृत्ति कर भी नहीं है, जो पथ कर है प्यारे बच्चों, जो पथ कर है ना, वो किसकी है, पंचायत की आय का क्या रहेगा, एक प्रमुख स्रोत रहेगा। कौन सा कर रहेगा, जो पथ कर है ना, वो ग्राम पंचायत की आय का क्या रहेगा, प्रमुख स्रोत रहेगा। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे 101% है, पूछा जाएगा कौन सा कर रहेगा, पथ कर रहेगा, कौन सा कर रहेगा प्यारे बच्चों, पथ कर। ये क्वेश्चन अगर ना भी आए ना तो भी प्यारे बच्चों मैं कहता हूं एक बार इसको ना डिटेल में आपको अध्ययन हर हाल में करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन ग्राम पंचायत के राजस्व का एक स्रोत नहीं है, नहीं है पूछा है, तो भूमि कर होता है, वाहन कर होता है, पथ कर हमने पढ़ा था, आयकर अभी पढ़ाया है। आयकर ग्राम पंचायत की आय का प्रमुख है साधन नहीं होता, तो आयकर है ना ये भारत सरकार की आय का क्या होता है, प्रमुख साधन होता है। जिसे आप प्यारे बच्चों इनकम टैक्स है बोलते हो, इसमें स्लेब डिसाइड होते हैं कि इतने तक की राशि के लिए आपसे क्या लिया जाएगा, कर होते हैं। इसमें क्या डिसाइड होते हैं, स्लेब डिसाइड होते हैं कि इतने से कम राशि का अगर आपकी है तो आपसे इतना कर लिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हर हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ग्राम पंचायत प्रणाली में खाली स्थान का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो ग्राम पंचायत प्रणाली में महापौर का होता है, बिल्कुल नहीं होता, पंच होता जरूर है लेकिन प्यारे बच्चों इतना इंपॉर्टेंट प्रधान भी नहीं होता जितना कौन होता है, सरपंच होता है। अगर ये पूछा जाए गांव का राष्ट्रपति कौन होता है, तो जितनी पावर भारत में राष्ट्रपति के पास है ना, उतनी गांव में किसके पास है, तो गांव में राज्यपाल के पास उतनी ही, गांव में राज्यपाल के पास नहीं प्यारे बच्चों, जिला में, स्टेट में अगर पूछे ना, जैसे हरियाणा एक जिला है, तो जिले में किसके पास रहेगी, तो किसके पास रहेगी प्यारे बच्चों, राज्यपाल के। हरियाणा है ना एक स्टेट है, राज्य है, तो हरियाणा में जिले कितने हैं, 22 है, तो हरियाणा क्या है, एक राज्य, तो हरियाणा में किसके पास रहेगी, राज्य पूरी रूप से अगर पूछे तो राज्य में किसके पास होती है, राज्यपाल के पास है, और देश में किसके पास होती है, तो देश में राष्ट्रपति के पास होती है, और वही पावर गांव में किसके पास होती है, तो गांव में सरपंच के पास होती है। अगर ये क्वेश्चन बना नहीं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांव का राष्ट्रपति कौन होता है, तो गांव का राष्ट्रपति सरपंच होता है। और पंचायती राज है ना ये किसके सिफारिश पर आया था, किसके सिफारिश को फॉलो करता है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की क्या की थी, मांग की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज का फादर या जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा बलवंत राय मेहता को माना जाता है। निम्नलिखित में कौन HSDGDA का मुख्य उद्देश्य है, तो प्यारे बच्चों इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, इसका हरियाणा के गांव में सफाई बिल्कुल नहीं है, हरियाणा के गांव को स्वच्छ, तो हरियाणा में स्मार्ट गाँव विकसित करना बिल्कुल। निम्नलिखित में कौन HSGDA का मुख्य उद्देश्य है, तो हरियाणा में स्मार्ट गाँव विकसित करना, तो प्यारे बच्चों हरियाणा में स्मार्ट गाँव विकसित करना इसका क्या रहेगा, प्रमुख लक्ष्य रहेगा। नेक्स्ट है एक नगर निगम एक ऐसे शहर में स्थापित किया जाता है जिसकी आबादी खालिस्तान से कम नहीं है, तो प्यारे बच्चों वर्तमान में ना हरियाणा में कितने नगर निगम है, 11 नगर निगम है। 11वां नगर निगम कब बना था, 23 दिसंबर 2020 को, गुरुजी कौन सा बना था, मानेसर बना था, और मानेसर में गुरुजी कितने गांव शामिल किए गए थे, 29 गांव शामिल किए गए थे, कितने गांव शामिल किए थे मानेसर नगर निगम में, 29 गांव शामिल किए गए थे। तो प्यारे बच्चों गुरुग्राम एक एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है, तो 10 लाख से जिसकी आबादी से कम है नहीं है, वहां पर क्या बनता है, नगर निगम बनता है। हरियाणा में 1994 के पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज शुरू किया गया था, फलस्वरूप हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों और विकास प्रशासन में
सार्वजनिक भागीदारी के लिए ग्राम पंचायत, खाली स्थान और जिला परिषदों का गठन किया गया। तो ग्राम पंचायत आ गई, जिला परिषद आ गई, तो बीच में कौन बच गई? पंचायत समिति बच गई। क्या बच गई? पंचायत। पहले स्तर पर ग्राम पंचायत, वे निचले पर और मध्य में ये, और शीर्ष स्तर पर कौन सी हो जाएगी? जिला परिषद हो जाएगी, मध्य में पंचायत समिति और सबसे नीचे ग्राम पंचायत, तो पंचायत समिति आ जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंचायत समिति हो जाएगी। तो भारत में कौन सी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय क्या रहेगी? व्यवस्था रहेगी जिसमें पावर का विभाजन किया गया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में पंचायती राज आया था 24 अप्रैल 1993 को आया था। भारत में कब आया था? 24 अप्रैल 1900। इसीलिए हम है ना पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो इसीलिए हम पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है? तो 22 अप्रैल को ना हरियाणा में पंचायती राज आया था, 22 अप्रैल 1994 को आया था। और ये 73वां व 74वां संविधान संशोधन है, 73वां पंचायती राज और 74वां कौन सा रहेगा? शहरी स्वशासन। ग्राम पंचायत के पास कानून बनाने के लिए 29 विषय रहेंगे और शहरों के पास कानून बनाने के लिए कितने विषय रहेंगे? 18 विषय रहेंगे। आगामी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पूछा जा सकता है। लेकिन अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत है? ये पूछ रहे जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत है? तो प्यारे बच्चों, हरियाणा में गांव भी 6000 से अधिक है, तो पंचायतें भी 6000 से अधिक रहेगी। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे देखने को मिल सकता है। जनवरी 2009 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत है? तो आपका आंसर क्या होगा? 6000 से अधिक रहेगी। HCS के एग्जाम का क्वेश्चन था, हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले रहेंगे? तो हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले रहेंगे? 22, 22वां जिला है ना। तो प्यारे बच्चों, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 18 सितंबर 2016, 18 अक्टूबर 2016 और 16 नवंबर 16/11/2016 और प्यारे बच्चों दिसंबर 2016। कौन सा? दिसंबर 2016। तो आज के बाचर की दादरी में डाउट नहीं होगा, 18 सितंबर 2016 को एक रैली हुई थी जिसमें प्यारे बच्चों मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी चरखी दादरी नया जिला बनेगा। और 18 अक्टूबर 2016 को इसके लिए क्या बनाई गई? एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? ओम प्रकाश है धनखड़ को बनाया गया। जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 16/11/2016 को। इसीलिए कई किताबें 16/11/2016 दिखाती है, लेकिन प्यारे बच्चों HSC से मानती है दिसंबर 2016 या 4 दिसंबर 2016 को हरियाणा का कौन सा जिला बना था? चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना था। एक करंट का क्वेश्चन बता देता हूँ, चरखी दादरी है ना, वहां पर प्यारे बच्चों एक ग्रीन सचिवालय का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। तो वो डायरेक्ट पूछेगा हरियाणा में कहाँ पर जो ग्राम सचिवालय की बिल्डिंग पूरी की पूरी ग्रीन रहेगी? तो चरखी दादरी में रहेगी। और पीर मुबारक की दरगाह कहाँ पर है? तो चरखी दादरी में। और विश्व में हिलना पत्थर ब्राजील में, अमेरिका में और भारत में कहाँ पर पाया जाता है? चरखी दादरी के कल्याणा गाँव में कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिलना पत्थर पाया जाता है जिसे परकंपी पत्थर कहते हैं, डांसिंग स्टोर के स्टोन कहते हैं या कंपकंपी पत्थर कहते हैं, वो भी दादरी में पाया जाता है। गीता कुमारी फोगाट, बबीता कुमारी फोगाट, विनेश फोगाट का भी संबंध बलाली गांव चरखी से रहे चरखी दादरी से रहेगा। और हीरा लाल चिनारिया जिनका लोकसभा में बोलते टाइम क्या हो गया था? देहांत, वो भी कहां से रहेंगे? चरखी दादरी से रहेंगे। और एक चरखी दादरी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें 1996 में हुआ था जिसमें 349 यात्री मारे गए थे। तो चरखी दादरी को रट कर चले जाना। इमलोटा का हनुमान मंदिर, डेरेगो रेस्टोरेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? चरखी दादरी। तो 22वां जिला रहेगा। हरियाणा में पंचायती राज खालिस्तान स्तर ग्राम पंचायत है, तो पंचायती राज का आपको बताना है ग्राम पंचायत का कौन सा स्तर पंचायती राज रहेगा? तो मेरे बच्चों को पता होगा पहला स्तर कौन सा रहेगा, पहला जो शीर्ष स्तर है, तो शीर्ष स्तर कौन सा रहेगा? तो शीर्ष स्तर जिला परिषद होगा। प्यारे बच्चों, शीर्ष स्तर कौन सा रहेगा? जिला परिषद रहेगा। और दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? पंचायत समिति रहेगा। और प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पर कौन रहेगा? ग्राम पंचायत रहेगा। कौन सा रहेगा तीसरे नंबर पर? कौन रहेगा? ग्राम
पंचायत रहेगा। तीसरे नंबर पर कौन रहेगा, ग्राम पंचायत। तो इसने पूछा है हरियाणा में पंचायती राज में ग्राम पंचायत का कौन सा स्तर है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा स्तर हो जाएगा। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था, तो प्यारे बच्चों 2019 के निर्वाचन अधिकारी के लिए तो ये कौन था, श्री राजीव रंजन जी होते थे। कौन होते थे, राजीव रंजन जी होते थे। और चुनाव करवाने की जिम्मेवारी है ना राज्य चुनाव आयोग की होती है, पंचायती राज का क्या करवाने की, चुनाव करवाने की जिम्मेवारी सौंपी होती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है प्यारे बच्चों उनको पद से हटाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, भारत की संसद की होती है। संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में रहेगा, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। और संसद है ना किससे मिलकर बनेगी, तो संसद प्यारे बच्चों लोकसभा से मिलकर बनेगी प्लस है राज्यसभा से मिलकर बनेगी प्लस है राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनेगी, राष्ट्रपति से मिलकर आपकी क्या बनेगी, संसद बनेगी। और प्यारे बच्चों राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देगा ना तो कोई भी क्या बन जाएगा, कोई भी विधेयक कानून बन जाएगा। वो पूछेगा धन विधेयक हमेशा कहां पर आएगा, जो मनी बिल है ना वो हमेशा कहां पर लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। और मनी बिल में ना राज्यसभा के पास भेजा जरूर जाता है, लेकिन राज्यसभा अगर ना भी कर दे तो मनी बिल पास माना जाएगा। तो भारत की संसद राष्ट्रपति मत कराना, राष्ट्रपति नहीं है भारत की संसद। राज्य विधान सभा चुनाव खालिस्तान द्वारा आयोजित होते हैं, तो राज्य विधानसभा यानी हरियाणा में जो विधानसभा की 90 सीटों के चुनाव होते हैं तो वो भारत का चुनाव आयोग करवाएगा। चुनाव आयोग ही आचार संहिता जारी करता है, चुनाव आयोग ही किसी पार्टी को क्या करता है, चिन्ह प्रदान करता है, क्या करता है किसी पार्टी को चिन्ह प्रदान करता है। तो चुनाव आयोग से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो कौन सा होता है, राज्य विधानसभा चुनाव भारत का चुनाव आयोग करवाता है। लेकिन वो पूछे ना प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है पंचायती राज का चुनाव, तो राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। ये आ गया पंचायत का चुनाव खालिस्तान के द्वारा किया करवाया जाता है। जो पंचायती राज का चुनाव होता है ना प्यारे बच्चों वो कौन करवाएगा, जो पंचायती राज का चुनाव है ना वो स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। ये दोनों क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, तो पंचायत का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो पंचायत का जो चुनाव होता है ना वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और विधानसभा का तो भारत का निर्वाचन आयोग, राज्यपाल को हटाने का संविधान में कहीं पर विवरण नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। ठीक है, हरियाणा चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी HCS का क्वेश्चन था, हरियाणा चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो ये 1950 दिया गया है। हरियाणा चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है, तो हेल्पलाइन नंबर कौन सा रहेगा, 1950 हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है, 1950 राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में किस चुनाव में पहली बार VVPAT, सबसे पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं प्यारे बच्चों, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड। पहले है ना जैसे प्यारे बच्चों विवाद हुआ था कि हम वोट किसी को डालते हैं, वो वोट सारे एक पार्टी को चले जा रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहता, तो फिर प्यारे बच्चों इसमें ना ये VVPAT का एक सिस्टम आया, इसमें आप है ना आम आदमी पार्टी का अगर निशान प्रेस करोगे तो झाड़ू आ जाएगा, कांग्रेस का करोगे तो क्या आ जाएगा, हाथ आ जाएगा, JJP का करोगे तो चाबी आ जाएगी, और BJP का करोगे तो आप कमल का निशान आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं वे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये जींद विधानसभा उपचुनाव में, ये चुनाव नहीं है उपचुनाव में क्या किया था, चुनाव की जगह उपचुनाव कर लेना, जींद विधानसभा उपचुनाव में पहली बार प्रयोग किया गया। और इस टाइम है ना दुष्यंत चौटाला के साथ आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा जो हार गई थी। जननायक जनता पार्टी, ये पूछ रहा है जननायक जनता पार्टी का गठन किसने किया था, दुष्यंत चौटाला ने किया। और दुष्यंत चौटाला वर्तमान में हरियाणा के क्या रहेंगे, Deputy CM रहेंगे। और इनकी ना जो पत्नी है मेघना अहलावत, ये क्वेश्चन आ सकता है, मेघना अहलावत ये भारत में टेबल टेनिस की क्या बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है, मेघना अहलावत रहेगी, ये दुष्यंत चौटाला की पत्नी है। तो दुष्यंत चौटाला इससे पहले अगर पूछे किस पार्टी में थे, तो प्यारे बच्चों इनेलो इंडियन नेशनल लोक दल, किस में पार्टी में थे, इंडियन
इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी में थे, जिनका चुनाव चिन्ह चश्मा होता था। तो इनकी पार्टी जेजेपी ने इस बार कितनी सीटें जीती थी? 10 सीटें जीती थी। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक है ना, मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट करके बताना कि आज को आपका हमारा टॉपिक कैसा लगा। और जो बच्चे नए हैं ना, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और कोई भी प्यारे बच्चों, आपको कौन सा टॉपिक करना है आप कॉमेंट करके बता दिया करो, हम अगले दिन वही टॉपिक है करवा देंगे, नहीं तो हम अपने हिसाब से सारे के सारे टॉपिक करवा देंगे। ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें चाहे कितना भी काम हो लेकिन आपके लिए ये सीरीज हम बंद क्यों नहीं होने देते, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, एमसीक्यू सारा का सारा इसमें मिल जाएगा। पहले अच्छे से कंप्लीट है, थियरी है, फिर प्रीवियस ईयर है, टॉपिक है, फिर प्रीवियस ईयर है। और ये बुक 230 में मिल जाएगी। और एक 2 साल की हमारी हरियाणा करंट अफेयर की बुक आई है मार्केट में, वो महज आपको कितने रुपए में मिल जाएगी? 100 रुपये में मिल जाएगी। और जो आगामी एग्जाम ग्रुप डी का होना है या सीईटी मेंस का होना है, तो जीके में आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो ये प्यारे बच्चों आपके लिए सूचना थी। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइए। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।